ये है न्यूज 19, एक देश एक भाषा एक चैनल, न्यूज 19 टीवी चैनल। आपका जो प्रताप फाउंडेशन है, जो इसके द्वारा आप हर साल दही हांडी का उत्सव मनाते हैं और उसमें काफी दूर दूर से लोग उसमें हिस्सा लेने के लिए आते हैं, तो क्या हर साल की तरह जो आप ये उत्सव करते हैं, इस साल भी इसकी तैयारी आपने की है? जी बिल्कुल, जो है जोर शोर से तैयारी चालू है और मीरा भाईंदर का ऑलमोस्ट यह सबसे बड़ा दही हंडी का आयोजन होता है और इसका लोग इंतजार बड़े बेसब्री से करते हैं, आम जनता, हम लोग जो है और स्पेशली यंग्स, हमारे दही हंडी का जो आयोजन होता है और इस बार हर बार कुछ नया होता है और हर बार अच्छा होते जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इस बार और अच्छा करने का प्रयास पूरे हमारे प्रताप फाउंडेशन टीम है, वो सब लोग लगे हैं पूरे तैयारी में। इस साल कुछ जिस तरह से अभी आपने बताया कि हर साल कुछ नया करते हैं, तो ये साल आप क्या नया करने वाले हैं संस्था के द्वारा? नया तो वहाँ सरप्राइज रहता है, गेस्ट जो हमारा सरप्राइज रहता है। इस बार फिल्म इंडस्ट्री के बहुत पुराने और बहुत बड़े एक गेस्ट आने वाले हैं जो कि सरप्राइज हम देने वाले हैं, अभी से बता देंगे तो उसका एक मजा जो है थोड़ा फीका पड़ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग सरप्राइज हर बार देते हैं और इस बार भी बड़े एक हमारी एक्ट्रेस हैं फिल्म इंडस्ट्री की, वो और एक हमारे पुराने एक्टर हैं वो आने वाले हैं और सीरियल्स के तमाम एक्टर एक्ट्रेस और डायरेक्टर जो है आते हैं और सामाजिक संस्थाओं के बहुत अच्छे अच्छे सोशल वर्कर्स वहाँ आते हैं और स्पेशली हम लोग बच्चों को मीरा भाईंदर के जो स्कूल्स हैं, जो गर्ल्स और बॉयज़ जो अपना स्कूल टॉप करते हैं 10th और 12th में, उनको हम लोग पुरस्कृत करते हैं। और भी हमारा एक प्रताप फाउंडेशन पे जो दही हंडी करने का या कल्चरल प्रोग्राम करने का हमारा मेन मकसद ही वही रहता है कि हमारा जो यंग कल्चर है वो लोग ब्लेम कर देते हैं कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है, तो वो हम अपने कल्चर में उनका इन्वॉल्वमेंट हो, ये हमारा प्रयास रहता है कि हमारे कल्चर में भी एंटरटेनमेंट है और इसलिए हम ये सब आयोजन करते हैं समय समय पे, हमारी फाउंडेशन करती है और इसमें हमारे यंग्स जो है बहुत बड़े पैमाने पे पार्टिसिपेट करते हैं। कितने साल से आप ये सब? ये ऑलमोस्ट 9 years हो गए हैं, 9 साल होगा और हर बार उसका कहीं ना कहीं कार्यक्रम का रूपरेखा हमेशा बढ़ता गया और लोग इसमें ज्वाइंट होते गए जो है। और कितनी संख्या में इस वक्त इस प्रोग्राम में जो 9 साल से आप कर रहे हैं? लगभग संख्या एक्सपेक्टेड है कि 30,000 से 40,000 का संख्या एक्सपेक्टेड है कि आएगा और पिछली बार जो है 30,000 से 40,000 का संख्या हुआ था, इस बार और भी ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे और रोटेट होते रहते हैं, पब्लिक आती है, 1 घंटा 2 घंटा लोग जो है एंजॉय करते हैं और गोविंदा पथक आते हैं, उनका सलामी होता है और फिर वो जाते हैं, फिर नया टोली आता है, नए स्टार आते हैं, उनका सम्मान होता है, उनका स्पीच होता है, फिर वो जाते हैं, मतलब एक लगभग 3 बजे से लेकर 10 बजे रात तक का जो है ये बड़ा लंबा प्रोग्राम रहता है। तो इसमें गोविंदा पथक की जो टोली आती है वो कहाँ से, मतलब कहाँ तक के लोग? बॉम्बे से आते हैं, ठाणा से आते हैं, कल्याण, बदलापुर, अंबरनाथ, वसई, विरार और मीरा भाईंदर के गोविंदा पथक रहते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। और आपका जो ये दही उत्सव होता है इसका एक खास आकर्षण जो मैंने अपने आप में समझा है वो ये है कि इतनी बड़ी रकम जो है वो फर्स्ट प्राइज पे कोई रखता नहीं है जी। तो इसकी क्या वजह है कि आपने ये 7 लाख से ऊपर का अमाउंट जो इसमें प्रथम पुरस्कार रखा हुआ है जी, थोड़ा सा इस पे जरा जानकारी दे? देखिए पुरस्कार राशि तो रखा जाता है ये, क्योंकि ये हमारा परंपरा है और हमारा इंडियन कल्चर है और जो भी अलग अलग स्टेट का अलग अलग सबका एक अपना कल्चर होता है, अपना एक प्रोग्राम का रंग होता है, वो एक इनामी राशि पाने के लिए ही तो गोविंदा वहाँ उतना ऊपर चढ़ते हैं और जो सफल हो जाते हैं उनको तो इनाम मिलता ही मिलता है, जो असफल रहते हैं उनको भी हम लोग इनाम देते हैं, तो उसका राशि एक अलग अलग तरीके से फिक्स होता है, तो हम किसी भी गोविंदा को नाराज़ नहीं करते हैं क्योंकि गोविंदा को नाराज़ करना ठीक नहीं है और हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद जो है ये फेस्टिवल मनाते हैं और ये हमारे इंडिया और महाराष्ट्र का स्पेशली कल्चर है गोविंदा का, तो हम सबको पुरस्कृत करते हैं, इनाम देते हैं और अप्रिशिएट करने का कोशिश करते हैं। ये है
न्यूज 19, एक देश एक भाषा एक चैनल, न्यूज 19 टीवी चैनल।